हेलो गाइस, मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर यूट्यूब चैनल। अभी अभी जस्ट एक स्नेक कॉल आया है मुझे, तो हम जा रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखते हैं कौन सा सांप है। और इन दिनों में कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे कॉल्स हैं, इसकी वजह से कोई टाइम नहीं मिल रहा है। बट आज थोड़ा टाइम मिला है, मैंने सोचा है कि इसका वीडियो बनाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकता है। तो चलो चलते हैं, टिल दैट स्टे ट्यून्ड। तो हम लोग पहुँच गए हैं हमारे रेस्क्यूइंग स्पॉट पे, तो जाके देखते हैं कौन सा सांप है। स्वरूप गया ना हमारे, हाँ सर, हाँ तो गाइस ये एक इंडियन रेड स्नेक है, तो इसको अभी हम लोग निकालेंगे बाहर और देखते हैं। लग तो रहा है लंबा है, तो इसको बाहर निकालने का ट्राई करते हैं। तो धरता तो ते वाटेकन भायर वयतलो तो उगदी म्हाका एक आतां उगू हाट आं खंय आतां उगे एक हाट खंय व्हिडियो येता मरे सारको आं हांव येता मरे व्हिडियो सारको येता मरे म्हाका फाटल्यांच्यान घाले यो खंयचो उगदी हय पळय हां हांव वयर येयलो मरे काय करतो ओढून दोन नका, रोकडो असून त्याच्या टाय असं मात्र मात्र टाय चढ ओढ नका इतकं झालं तो मका माझ्या बदल पत्र्याच्या वयर तो यो यो भाई यो यो हाडटा नहीं। तो गाइस एक इंडियन रेड स्नेक है, बिल्कुल नॉन वेनमस सांप होता है और बिल्कुल हेल्दी लग रहा है सांप। और काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि इंडियन रेड स्नेक जो है ग्रीन या येलो कलर में होता है, बट देखो ये कंप्लीट ब्लैक कलर में भी है। बिकॉज मॉर्फ चेंजेस तो होते रहते हैं, कलर वेरिएशन होते रहते हैं हैबिटेट के हिसाब से, तो उसमें कलर से कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है। तो इसको बैग में डालते हैं और चलते हैं रिलीज़ करने के लिए। तब तक वीडियो में बने रहिए। रिवॉर्ड तो गाइज आज का रेस्क्यू कॉल बहुत आसान था, हमने रेस्क्यू कर लिया इंडियन रेड स्नेक को। तो चलो चलते हैं रिलीज करने के लिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो गाइस जैसे कि मैंने अभी अभी ये सांप को रेस्क्यू किया था, आई थिंक ये बहुत लकी कॉल था मेरे लिए, क्योंकि जैसे ही मैंने सांप को गाड़ी के अंदर डाला और मैं निकल रहा था तो मुझे एक और स्नेक कॉल आया है।
यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, तो हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कौन सा सांप है। उनको वो कह रहे हैं कि कोई आइडिया नहीं है कौन सा सांप है। वो जब मैंने उनसे कॉल पे पूछा तो उन्होंने बताया कि एक पाइथन की जैसा लग रहा है, बट मुझे तो लग रहा है कि वो एक माउंटेन ट्रिंकेट हो सकता है। तो चल के देखते हैं कौन सा सांप है। आप वीडियो में बने रहिए क्योंकि सच में वीडियो लंबा होने वाला है, और चलते हैं। Few moments later. तो गाइस हम लोग पहुंच गए हमारे सेकंड स्नेक रेस्क्यू कॉल पे। चप्पल काढ बिगिन का बिगिन और पुढे चल पुढे चल जोड़ में जाओ।
तो गाइज पहुंच गए हम लोग हमारे रिलीजिंग स्पॉट पे। यहाँ पे सांपों को रिलीज करना है। जैसे कि आपने देखा मैंने दो इंडियन रेड स्नेक रेस्क्यू किए थे, तो उनको रिलीज करने आए हैं। मैंने सोचा कि अभी रिलीज़ कर देंगे तो अच्छा होगा। और जैसे आपने देखा मैंने फर्स्ट स्नेक रेड स्नेक रेस्क्यू किया था, फिर उसके बाद एक और किया जो कि छत के ऊपर था। तो छत के ऊपर से रेस्क्यू करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो है थोड़ा वीक होता है। और आपको पता है जब भी हम सांप रेस्क्यू करते हैं तो सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा होता है? रिलीजिंग वाला। क्योंकि जब रिलीज़ करते हैं तो इतनी खुशी मिलती है, जब सांप हम लोग छोड़ते हैं जब वो जाते हैं तो बहुत अंदर से खुशी मिलती है। तो इसी के लिए आज तक मैं एक काम कर रहा हूँ। आई थिंक व्हेन आई वाज 15-16 ईयर्स ओल्ड तब से मैं सांपों को रेस्क्यू कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं अब तक कर ही रहा हूँ बिकॉज़ आई लव दिस जॉब। और गाइज आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और चलिए रिलीज़ करते हैं सांपों को। ये जगह जो है इनके लिए एकदम अच्छी है सांपों के लिए, बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ से एक स्ट्रीम बह रही है ऐसे, तो यहाँ से आ रहा है पानी। तो ये जगह अच्छी है बिल्कुल, और ये बिल्कुल मेरे घर के पास में ही है, घर से ज़्यादा दूर नहीं है। ओके चलो भाई आ जाओ बाहर। वो आने का नाम नहीं ले रहा है, पता नहीं क्यों वो नहीं आना चाहता। वाओ ऐसे जब हम लोग ऐसे सांपों को रिलीज़ करने के बाद वो इतने ऐसे लगता है कि वो एकदम खुशी खुशी जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। ऐसे एंड ऑफ द डे ऐसे लगता है कि सच में कुछ अच्छा काम किया है आज, बाकी दुनिया जो भी कहे। तो चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। वाओ देखा आपने कितना स्पीड में गया है, लवली। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड।